देखिए, आज जो हम आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम आपको बीजी के अंदर अपना डिस्प्ले सीरीज के अंदर आज हम माय डैशबोर्ड के बारे में बताएंगे। वैसे इस टॉपिक की इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हैं, बट आपका टॉपिक आया तो डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे डैशबोर्ड क्या होता है, बोले सर डैशबोर्ड वो होता है जहाँ पर सभी चीज़ों की रिपोर्ट एक जगह मिल जाए, वो डैशबोर्ड होता है। क्या होता है? डैशबोर्ड होता है। अब जैसे आपके पास एक टीवी का रिमोट होता है, उसमें चैनल अप करने के लिए भी होता है, चैनल डाउन करने के लिए भी होता है, वॉल्यूम को बढ़ाना घटाना सब उसके अंदर होता है, वो क्या है? आपका डैशबोर्ड है। अब एक जब एक बंदा पायलट प्लेन को फ्लाई करता है तो उसके सामने सारी चीज़ होती है, कितने ऊपर उड़ रहा है, क्या किलोमीटर है, कितनी देर में पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वगैरह वगैरह सब उसके सामने होता है। उसके सामने क्या ओपन होता है? डैशबोर्ड होता है। अगर तुम्हें भी एक जगह अपनी सारी रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर आके निकाल सकते हो, किसमें? माय डैशबोर्ड। लेकिन ये बनाना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ नहीं होता। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में आओगे और यहाँ एक टॉपिक मिलेगा डैशबोर्ड। क्या लिखा? डैशबोर्ड। यहाँ जाओ, डैशबोर्ड। तुम्हें क्या देखना चाहता हूँ मैं? एक ही जगह देखना चाहता हूँ, बताओ। एक दिन में कैश बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है, आपका सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, सब टोटल डिटेल बता दो। डेली सेल्स कितनी है, डेली परचेज कितनी है, डेली रिसीव कितनी हुई, डेली पेमेंट कितना है, कितना टोटल लेना है, ठीक है, कितना कितना देना है, ठीक है, मिनिमम स्टॉक कौन सा था, मैक्सिमम कौन सा था, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, टॉप पार्टी क्या है जिनसे पैसा लेना है, क्लोजिंग स्टॉक, एजिंग स्लैब वाइज या प्रॉफिट कितना है, तो आप ये देख सकते हैं। एक दिन का बन गया। यहाँ से तुमने सारे टॉपिक यस करे, उसके बाद तुम किसी भी दिन की रिपोर्ट निकालोगे तो यहाँ पर सब आ जाएगा। तुम्हारे पास कैश कितना है, तुम्हारे पास बैंक का बैलेंस क्या है, कितनी सेल है, कितनी परचेज है, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितनी रिसीव, कितनी पेमेंट, कितना अमाउंट रिसीवेबल, कितना अमाउंट पेबल, कितना क्लोजिंग स्टॉक, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, टॉप पार्टियाँ, ये वगैरह 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 सब आ जाएंगे। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो। उसे क्या बोलते हैं? पार्टी डैशबोर्ड। क्या बोलते हैं हम इसे? पार्टी डैशबोर्ड नहीं, माई डैशबोर्ड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? माई डैशबोर्ड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं हम इसे? माई डैशबोर्ड रिपोर्ट। तो आप यहाँ आके अपनी डैशबोर्ड रिपोर्ट निकाल सकते हो। कोई दिक्कत आ गया समझ में? तो इसे बोलते हैं डैशबोर्ड। देखने के अंदर तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन कई बार इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि अगर किसी को एक दिन की सेल पता करनी है, एक दिन की परचेज पता करनी है, एक दिन में कितना पैसा आया, एक दिन में कितना पैसा गया, तो उससे अच्छा ऑप्शन उसके पास नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है, क्लियर है? इसके बाद जैसे नीचे आओगे एक टॉपिक है स्टॉक स्टेटस। अवेयर हो आप लोग इसके बारे में, जानते हो इस टॉपिक का यूज़ क्या है। क्या है? अगर तुम्हें किसी भी स्टॉक के बारे में पता करना है तो बिना सोचे कहाँ जाओ? स्टॉक स्टेटस पे। स्टॉक बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है ओपनिंग स्टॉक। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकली, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मिलेगा ओपनिंग स्टॉक अल्फाबेटिकली। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये आपके पास टॉपिक है। सबसे पहले आता है क्लोजिंग। अगर आप चाहते हो कि मुझे खाली बचा बचा माल देखना है कि मेरे पास कौन सा माल बचा, तो कहाँ जाओगे? क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक पे इंटर मारोगे, आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा बैलेंस ओनली, दूसरा ऑप्शन होगा डिटेल, और तीसरा होगा कॉलमर। हम किसके अंदर आएंगे? बैलेंस ओनली के अंदर आएंगे। सबसे पहले पूछेगा एक एम सी, ग्रुप ऑफ एम सी, ऑल एम सी या फिर सिलेक्ट एम सी। तो तुम्हारे पास वन एम सी हो तो वन निकाल लेना, ग्रुप ऑफ एम सी हो तो ग्रुप ऑफ एम सी निकाल लेना, ऑल एम सी हो तो ऑल एम सी, और या सिलेक्ट एम सी हो तो सिलेक्ट। हमारे केस में क्या होगा? वन एम सी। तो यहाँ वन एम सी कर दिया। आइटम अभिषेक फैन चला देना। आइटम के अंदर ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम, सिलेक्ट आइटम। तो आपके जो भी आइटम हो आप उस आइटम का नाम डाल देना। आप कैसे रिपोर्ट देखना चाहते हो सुनील? ऑल आइटम, तो आप ऑल आइटम पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी ऑल आइटम करोगे सारा स्टॉक तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन याद रखना, इसके अंदर जो स्टॉक आएगा कोई ज़ीरो फिगर नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? ज़ीरो फिगर। अगर आपके स्टॉक में ज़ीरो वैल्यू, क्या है? अगर आपके स्टॉक में
ज़ीरो वैल्यू तो यहाँ पर वो शो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, ज़ीरो वैल्यू शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जिद करते हो कि सर मुझे ज़ीरो स्टॉक दिखा दो, तो किस पर क्लिक कर देना, शो ज़ीरो स्टॉक वैल्यू, तो आपको क्या दिखाएगा, जो आइटम ज़ीरो होगी वो भी दिखा देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो याद रखना, अगर मुझे बचा हुआ माल देखना है कि मेरे पास कितना स्टॉक है, तो कहाँ जाना, बैलेंस ओनली, ऑल एमसीयू तो ऑल एमसी, ग्रुप ऑल ग्रुप ऑफ आइटम, पहला होता है टी, एक होता है बी, टी फोर होता है टोटल और बी था बुक स्टॉक वैल्यू। ठीक है, हमेशा आप टी रखें, ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर जितना होगा वो आ जाएगा। जब आप रिपोर्ट निकालेंगे तो नीचे एक टॉपिक आएगा, शो पेरेंट ग्रुप, पेरेंट ग्रुप मतलब किस ग्रुप से रिलेट करता है, ये सभी किससे रिलेट करते हैं, जनरल। तो अगर कभी आपको ग्रुप का नाम भी देखना है, ये स्टॉक कौन से ग्रुप का है, तो आप किस ग्रुप अनेबल कर देना, शो पेरेंट ग्रुप को क्या कर देना, यस कर देना। क्लियर है? इसके बाद जैसे नीचे आओगे तो लिखा होता है आइटम टू बी शोन बाय, आप जानते हो किसी भी आइटम के तीन नाम होते हैं, किसी भी आइटम के तीन नाम होते हैं, ये होता है आइटम का आइटम नेम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइटम नेम, इसे क्या बोलते हैं, आइटम एलियास, इसे क्या बोलते हैं, आइटम प्रिंट नेम, ये तीन नाम होते हैं। अगर रिपोर्ट तुम्हें आइटम नेम के हिसाब से निकालना है तो आइटम नेम को पिक कर लो, अगर रिपोर्ट आइटम एलियास के हिसाब से निकालना है तो आइटम एलियास को पिक कर लो, और अगर किसके हिसाब से ये आइटम प्रिंट नेम तो आइटम को प्रिंट नेम डाल दो। तो हमारे केस में क्या है, हमें रिपोर्ट किस बेस पर चाहिए, नेम बेस पर, तो यहाँ नेम आ जाएगा। कोई दिक्कत तो आप निकल जाए, कोई प्रॉब्लम समझ आ गया आपको, तो ये आपको याद रखना। इसके बाद है शो वैल्यू ऑफ आइटम, कितने का आइटम मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पता चल जाएगा आपके यहाँ टोटल मिलाकर कितने का आइटम है, 801,304 रुपये का आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद बैक कर दो, अगर आप कहोगे MRP भी चाहिए तो MRP भी आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद एक होती है डिटेल, नहीं सर अब हमें बताओ कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और कितना क्लोजिंग, तो कहाँ आ जाना, डिटेल पर आ जाना, कहाँ जाना, ऑल आइटम, क्या कर देना, ऑल MC। तो जैसे ही करोगे ओपनिंग कितना था, इन कितना था, आउट कितना था और क्लोजिंग कितना था। आप चाहते हो साथ में क्या मिल जाए, आपको वैल्यू भी मिल जाए, तो आप इसको यस कर लोगे, तो आपको पता चलेगा ओपनिंग का कितना स्टॉक था मेरे पास, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और कितना क्लोजिंग बचा हुआ है। क्लियर है? तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि बताओ कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना क्लोजिंग, तो आप कहाँ आ जाना, डिटेल पर आना, वही टॉपिक है ऑल आइटम, और फिर क्या चले जाना, ऑल MC पर आ जाना। क्लियर है? बाकी एक एक टॉपिक करके पकड़ लेना या पढ़ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा आपके हिसाब से। क्लियर है? इसके बाद इतना एक कॉलमर, क्या होता है आपका कॉलमर, कॉलमर का बेनिफिट ये है कि अगर तुम पता करना चाहते हो मेरे पास कितने फ्लोर हैं और किस फ्लोर पे कितना माल पड़ा है, तो आप यहाँ कॉलमर में आके निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को ये पता करना है कि मेरा टोटल स्टॉक जो है किसी भी एक आइटम का वो कहाँ कहाँ कितना कितना पड़ा है, आप पता कर सकते हो। जैसे आइटम 11 120 फर्स्ट फ्लोर पर है, 100 मेन स्टोर पे, और टोटल कितना है 220। तो अगर किसी को भी आपको सारा माल पता करना है कौन सी लोकेशन पर है, कहाँ है, तो आप कहाँ आ जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर, स्टॉक स्टेटस के अंदर कहाँ जाओगे आप, कॉलमर, और आप यहाँ जाकर इजीली तरीके से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आपका कहाँ कहाँ माल अवेलेबल है। समझ आ गया? तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाने के बाद अब आता है क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप वाइज, क्या आता है क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप वाइज। मान लो मैं तुम्हारे साथ कोई कंपनी ऑन कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने ये कंपनी थी, मैं इस कंपनी को ऑन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से ग्रुप ऑन कर लिए, मैंने यहाँ क्या लिया, क्लोजिंग स्टॉक, ऑल आइटम, अब ऑल आइटम या फिर ग्रुप ऑफ आइटम, तो आप किसी भी एक ग्रुप का निकाल लो। मान लो मैंने रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाला, तो यहाँ सारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सारा। देखो क्या बता रहा है, रॉ मटेरियल विद पैरामीटर 6000 है, रॉ मटेरियल पैरामीटर 2 कितना, इतना, अस्तर इतना, और
रिपीट इतना, तो टोटल मिला के आपको ये स्टॉक मिल रहा है। और देखो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, ये ग्रुप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ग्रुप, इसके अंदर मतलब एक और ग्रुप है, इंटर मारो तो उसके अंदर एक और आइटम, इस पर इंटर मारो तो उसके अंदर आइटम। अगर यहाँ आइटम दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ग्रुप दिख रहा है तो उसके अंदर भी एक ग्रुप है, क्या ये किसी के अंडर है, ये किसी के अंडर है, तो ये आपको याद रखना, क्लियर है। तो ये आपका टॉपिक है। इसके बाद नीचे आता है क्लोजिंग स्टॉक हायरार्किकल, ये वैसे कम यूज़ होता है, बाकी मैं बता देता हूँ आप लोगों का टॉपिक है तो देख लो होता क्या है। अभी तुम कहते हो सबकी रिपोर्ट निकालो, क्लोथ की कितनी आइटम है ये मिल जाएगी, डायनम के कितनी आइटम है ये मिल जाएगी, फिनिश गुड्स में क्या क्या है, कैपरी पैंट शर्ट, जनरल में कुछ नहीं, रॉ मटेरियल में कितनी आइटम है, चार आइटम है, एक रॉ मटेरियल विद पैरामीटर है जो चैन आ गई, रॉ मटेरियल विद पैरामीटर टू जिसमें बटन अस्तर रिपीट आ गया, मतलब ग्रुप दिखा रहा है और साथ साथ उनकी आइटमें दिखा रहा है, मतलब टॉप को पिक कर रहा है फिर बॉटम दिखा रहा है, जस्ट लाइक ये क्लोथ इसके अंदर है, डायनम इसके अंदर है, फिनिश के अंदर ये आइटम है, जनरल में कुछ नहीं, रॉ मटेरियल में तीन आइटम है, तीन में दो ग्रुप है, रॉ मटेरियल विद पैरामीटर वन, रॉ मटेरियल विद पैरामीटर टू, और फिर ये दो आइटम इंडिविजुअल, क्लियर है। तो ये स्टॉक की बता रहा है। इसके बाद ये आपका सेम था क्लोजिंग स्टॉक, यही बात करेगा ओपनिंग स्टॉक, यही बात करेगा ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कौन सी बात करेगा, जब तुमने आइटम बनाते वक्त जो भी स्टॉक डाला था ये उसकी बात करेगा, जो आप यहाँ स्टॉक डालोगे ये उसकी बात करेगा, क्लियर है, क्या बात करेगा ये उसकी बात करेगा। ठीक है, आप यहाँ जाके देख लो ओपनिंग स्टॉक, देखो ठीक है, और कोई आइटम दिखाएगा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा अपने आप सेल्फ, क्लोजिंग मैंने बता दी, ओपनिंग अपने आप रीड कर लें। इसके बाद आता है इन्वेंट्री बुक, देखो जैसे अकाउंट बुक होती है वैसे इन्वेंट्री बुक होती है, तुम कहाँ जाओ इन्वेंट्री बुक पर आओ, सबसे पहले आता है डे बुक, क्या आता है डे बुक, ऊपर भी डे बुक थी नीचे भी डे बुक, यहाँ पार्टी की डे बुक होती है, यहाँ किसकी होती है आइटम की, कितनी आइटम एक दिन में आई और कितनी आइटम एक दिन में चली गई, तो आप यहाँ से निकाल सकते, ये बता रहा है कि यही आइटमें आई और ये आइटमें चली गई, तो ये बोलते हैं आइटम की डे बुक होती है, किसकी डे बुक होती है आइटम, इन्वेंट्री मतलब होता है आइटम से, और जब बात करें अकाउंट्स की तो ये पार्टी से रिलेट करते हैं। इसके बाद आओ स्टॉक लेजर, क्या आता है स्टॉक लेजर, ऊपर आए थे तो क्या आए थे यहाँ पर लेजर, यहाँ क्या आ रहा है स्टॉक लेजर, अगर तुम्हें किसी भी एक आइटम का लेजर निकालना हो तो क्या दबाते हो अपने कीबोर्ड से, ऑल्ट आई दबाते हो, क्या दबाते हो अपने कीबोर्ड से ऑल्ट आई, तो पता है ऑल्ट आई कहाँ पर आता है, जो तुम ऑल्ट आई करते हो बेसिकली यहाँ पर आता है, ऑल एम से यहाँ आता है, जो तुम कहीं भी खड़े होकर ऑल्ट आई दबाते हो ना बेसिकली उसका ऑप्शन कहाँ पर है, इन्वेंट्री में स्टॉक लेजर और लेजर के अंदर आइटम, ऑल एम से कर दो तो जो भी आस्था देखोगे आ जाएगा, क्लियर है, तो आपको मिले तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं ऑल एम से, आप जो टाइप करना चाहें कर, क्लियर है। ये हो जाने के बाद होता है मर्ज आइटम, जैसे ऊपर मर्ज आइटम था वैसे नीचे आ रहा है, ठीक है, मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ छुड़वाया था, इस टॉपिक को भी छुड़वा रहा हूँ, तो जब आएगा इसका टॉपिक तो मैं आपको बता दूंगा। आइटम एम सी लेजर, क्या बोल रहा है ये, आप इंटर मारो किसी भी एक आइटम का एम सी देखना चाहते हो पता कर सकते हो, आप चाहते हो कि सर मुझे बताओ कैफरी फर्स्ट फ्लोर पर कितनी थी, सर मुझे आप ये बताओ कैफरी फर्स्ट फ्लोर पर कितनी थी, तो आप ये लिख सकते हो, या बताओ नितिन मास्टर के पास कितनी, तो बताएं नितिन मास्टर ने 196 इन करी थी और आउट कितनी कर दी 196, तो स्टॉक कितना है ज़ीरो। तो अगर किसी भी एक आइटम का एम सी के हिसाब से रिपोर्ट देखनी है तो आप कहाँ जाओगे, इन्वेंट्री बुक में, फिर कहाँ होगे आइटम एम सी लेजर पे आ जाओगे, और यहाँ आकर आप रिपोर्ट देख सकते हो कि शर्ट का कितना था तो आपको पता चल जाएगा, इसे बोलते हैं आइटम का एम सी। थर्ड फोर्थ नंबर पे आता है मटेरियल सेंटर रजिस्टर, अगर तुम्हें ये पता करना है कि सर फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पास कौन कौन सी आइटम है तो आप पता कर सकते हो, या आप यहाँ लिख दो मेन स्टोर तो आप पता कर लोगे कि मेरे पास ये स्टॉक मेन स्टोर पर आया था, ये स्टॉक बिक गया, बस
अगर तुम्हें ये पता करना है कि फर्स्ट फ्लोर पे कितना स्टॉक आया था और फर्स्ट फ्लोर पे कितना स्टॉक चला गया, तो आप कहाँ से रिपोर्ट निकालेंगे? आप आएंगे इन्वेंट्री बुक में, और क्या मिलेगा? मटेरियल सेंटर रिपोर्ट पर आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? आपको समझ आ गया? तो ये आपका टॉपिक था। इसके बाद था इन्वेंट्री इन्वेंट्री रजिस्टर, और यहाँ क्या आता है? इन्वेंट्री रजिस्टर। ये होता है स्टैंडर्ड, ये होता है कॉलमर। आप जानते हैं अगर आपके पास बीजी का बेसिक वर्जन तो कौन सा यूज़ होता है? कॉलमर। और बीजी का अगर स्टैंडर्ड वर्जन या फिर उससे हाई वर्जन तो कौन सा यूज़ करते हो? स्टैंडर्ड। आप इस पर क्लिक करो तो वही आ गए परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर। तो आप इस पर इंटर मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी आइटमें बेची। हमारे पास सेल तो है नहीं, परचेज चेक कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि आपने ये आइटम परचेज करी। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, जैसे ऊपर था वही नीचे। अब आती है बिल्स एंट्री। क्या आती है? बिल्स एंट्री। अगर आपको पता करना है कि मैंने कितना किराया लगाया, कितना फ्रेट लगाया, तो आप बिल्स एंट्री में आएँ, या जो भी खर्चे का नाम है आप वो टाइप कर दें, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितने का बिल्स एंट्री लगाया, 2500। अगर आपको डिस्काउंट लगाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्काउंट 10% था किस पर? लक्ष्मी पर इतने का और SM पर इतने का, ठीक है? तो आप मतलब किसी भी बिल सेंडरी के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ आके किसी भी बिल सेंडरी के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद आता है आइटम डे बुक। अगर किसी भी आइटम की एक दिन की डे बुक निकालनी है तो यहाँ आ जाओ, ऑल MC, और जो भी आइटम देखोगे तो यहाँ डे बुक आ जाएगी। पहले 4800 इन हुई थी, फिर 76 आउट हो गए, स्टॉक इतना बड़ा इतना, तो ये क्या निकल गई? डे बुक निकल गई। क्या निकल गई? डे बुक। वैसे तो ओल्ड आई कह सकते हो, ओल्ड आई जैसा कोई डिफरेंस नहीं। तो ये किसकी बात करता है? इन्वेंट्री बुक की बात करता है। किसकी बात करता है? इन्वेंट्री बुक की बात करता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इन्वेंट्री समरी। क्या आता है आपका? इन्वेंट्री समरी। इन्वेंट्री समरी का मतलब होता है बीजी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जानना, जैसे डेली बैलेंस। आपको पता करना है कि डेली बैलेंस क्या है किसी आइटम का। तो आपने अस्तर लिखा, तो अस्तर देखो बता रहा है 5 को कितना था आपके पास? 1500। और 17 को कितना रह गया? 1366.72। तो ये डेली बैलेंस बता रहा है कितना कितना था। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक अच्छा डाटा दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे। मान लो मैंने यहाँ से एक SS सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी ऑन करी, कंपनी ऑन हो जाने के बाद मैं डे बुक पर आया, और यहाँ मान लो सपोज डेट मैंने किसी एक आइटम का नाम लिख दिया। तो आप जैसे ही मैं आइटम का नाम लिखूँगा तो आप यहाँ देखना, 1 तारीख को इसका कितना ओपनिंग्स था? 1324। कितना आउट हो गया? 225। तो बच्चा कितना? इतना। लेकिन नेक्स्ट आओ, फिर ये जो क्लोजिंग था नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा? ओपनिंग। कितना इन हुआ? 750 इन हुआ। आउट कितना हुआ? 300। स्टॉक कितना बचा? 1549। फिर यही क्लोजिंग नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा? ओपनिंग। कितना इन, कितना आउट और कितना क्लोजिंग? यही क्लोजिंग नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा? ओपनिंग। कितना इन, कितना आउट, कितना क्लोजिंग? क्लियर है? तो आप ये देख सकते हो। सॉरी, मुझे डेली बैलेंस, डेली समरी दिखाने, क्या बताना था? डेली बैलेंस बताना था, गलती हो गई। ये क्या बताता है? डेली बैलेंस बताता है 1 तारीख को इतना स्टॉक था, 2 तारीख को इतना, 3 तारीख को इतना, 4 तारीख को इतना, 5 तारीख का, ये डेली बैलेंस बताता है इतना इसमें। लेकिन डेली समरी क्या बताता है? कितना क्लोजिंग था, कितना इन हुआ, कितना आउट हो गया, कितना बचा है, और वो जो बचा वो नेक्स्ट डे क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। अगर किसी आइटम की आप मंथली समरी देखना चाहते हो, किसी आइटम की मंथली जो ओल्ड टाई करके निकालता हो, वो भी देख सकते हो। वन आइटम और इसकी रिपोर्ट देख लो, तो बता रहा है इतनी इन हुई, इतनी आउट हो गई, इतना बैलेंस बचा, इतनी महीने में आई, इतनी बिक गए, इतना स्टॉक है, इतनी इन, इतनी आउट, इतना बैलेंस, इतनी इन, इतना आउट, इतना बैलेंस, इतनी इन, इतना आउट, इतना बैलेंस। इस पर क्लिक कर दो, ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ऐसे होता है वर्टिकल, आप निकाल लो। तो ये आपको बताता है कि किस महीने में कितनी कितनी क्वांटिटी इन और कितनी आउट, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर है? ये हो जाने के बाद फोर्थ नंबर पे क्या आता है आपका? कंसोलिडेटेड। अगर किसी आइटम का ओपनिंग स्टॉक, किसी आइटम का
इन किसी आइटम का आउट स्टॉक देखना है तो आप कहाँ होगे? कंसोलिडेटेड समरी, आइटम वाइज ऑल आइटम, तो आप जैसे ही करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो आपको किसी भी चीज आइटम का रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ आकर निकाल सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट थोड़ा सा वेट करना क्योंकि डाटा ज़्यादा है तो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, 1% कम्प्लीट होगा तो मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कंसोलिडेटेड। मैं ऑल आइटम ना करके किसी पर्टिकुलर ग्रुप की देख लेता हूँ, फैब्रिक का देख लेता हूँ, ओपनिंग कितना, इन कितना, आउट कितना, क्लोजिंग कितना। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ऐसे ही किसी आइटम का आइटम ग्रुप वाइज देखना चाहते हो तो ग्रुप वाइज निकाल लो। ठीक है, अब आता है ट्रांजेक्शन। क्या आता है? ट्रांजेक्शन। अगर आपको पता करना है कोई एक आइटम कहाँ कहाँ यूज़ हुई ट्रांजेक्शन में, तो आप देख सकते हो सेल में कितनी हुई, परचेज में कितनी आई, परचेज रिटर्न कितनी हुई, तो आप ये सारा स्टॉक यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है मिनिमम। किसी आइटम का मिनिमम स्टॉक और किसी आइटम का मैक्सिमम देखना तो आप यहाँ देख सकते हो। मिनिमम पे आओ, वन आइटम करो, आप ये देख लो ये आइटम का मिनिमम स्टॉक कब था, 1/4 को मिनिमम था इतना, और मैक्सिमम कितना है, 48/11 1/8 को। तो किसी का भी मिनिमम देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मिनिमम इतना था 6/5 को, मैक्सिमम कितना है इतना। किसी आइटम का ये देखना चाहते हो देख लो कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको स्टॉक मिल जाएगा। क्लियर? अगर आपको पता करना है ऐसी कौन सी आइटम है जो अभी तक बिकी नहीं है, मतलब और नेगेटिव है, क्या है आपकी, तो आप कहाँ आओगे, चेक नेगेटिव स्टॉक, क्लिक कर दोगे तो जो आपका स्टॉक नेगेटिव होगा आप वो टाइप कर दोगे, तो ये आइटम का स्टॉक नेगेटिव है। पूरे स्टॉक में एक यही आइटम 10 पीस नेगेटिव है और कोई नेगेटिव नहीं। इसके बाद नीचे आओ, अनमूव्ड आइटम। जानते हो अनमूव्ड आइटम वो आइटम होती है जो बिकी ना हुई हो। क्या ना हुई हो? बिक नहीं हो। अगर तुम ऐसी फर्म में काम करते हो जो कहता है कि आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी आइटम है जो बिकती नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे, अनमूव्ड आइटम पर आओगे, ऑल आइटम या फिर कोई ग्रुप ऑफ आइटम कर दो, कब से कब तक नहीं बिकी, तो आप यहाँ डेट डाल दो, तो आप बता देना सर ये अब से अब तक नहीं बिकी, सर ये आइटम बिकी नहीं है अब से, क्या है, बिकी नहीं है। ठीक है, लास्ट डिटेल देख लो, ये ओपनिंग स्टॉक है अभी तक इसको आपने देखा ही नहीं, तो ये क्या है, अनमूव्ड आइटम। अनमूव्ड का मतलब वो मूव ही नहीं हो रही, ना ही परचेज हो रही ना ही सेल हो रही। क्लियर? अगर किसी का आइटम वाइज डिस्काउंट देखना चाहते हो तो आप यहाँ आकर देख सकते हो। क्या कर सकते हो? किसी का आइटम वाइज डिस्काउंट देखना चाहते हो तो आप यहाँ आ जाओ, जिस भी आइटम पे तुमने आइटम वाइज डिस्काउंट दिया होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद हमने नहीं दिया किसी भी आइटम का डिस्काउंट तो हमें यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर दिया होता तो होता, अदरवाइज नहीं है तो नहीं आता। ठीक है, आ जाओ आइटम क्रिटिकल लेवल। क्या बात करता है? क्रिटिकल लेवल। क्रिटिकल लेवल का मतलब क्या होता है? जब आप कोई आइटम परचेज करते हो, क्या करते हो, आप कोई आइटम परचेज करते हो और फिर जब तुम नीचे जाते हो तो एक टॉपिक आता है, इसका मतलब होता है सेट क्रिटिकल लेवल। इस टॉपिक का यूज उस समय होता है आप चाहते हो कि मुझे मिनिमम किसी भी आइटम का, इस आइटम जो है इसका मिनिमम स्टॉक कम से कम 10 तो मेरे पास हमेशा रहना चाहिए, मैक्सिमम कितने पर मैं ऑर्डर कर दूंगा। मैंने कहा जैसे मेरा स्टॉक 25 से नीचे जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, ऑर्डर कर दूंगा, और मैक्सिमम कितना रखूंगा, 50। कितना रखूंगा, 50। तो ये मिनिमम कितना हो गया 10, मैक्सिमम कितना हो गया, और रिकॉर्ड कितने पर करना है, 25, और ये कितना, 50। अगर तुम ऐसी फर्म में काम कर रहे हो जिसके लिए स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये टॉपिक उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कर दो आप, इसको सेव कर दो। क्लियर? अगर आप इसकी रिपोर्ट निकालना चाहो तो आइटम मिनिमम, ठीक है, ऑल आइटम, तो आप यहाँ कर दोगे तो जिस भी आइटम का मिनिमम स्टॉक होगा वो आ जाएगा। कितना मिनिमम इसका, 10,
मैक्सिमम, तो आप यहाँ मैक्सिमम निकाल लो। रखना हमें स्टॉक कितना मेंटेन करना है, हमारे पास रहना चाहिए मैक्सिमम 50 तक, मिनिमम 10 तक होना चाहिए, और ऑर्डर कितने पर कर देंगे, 25 पर, ठीक है। स्टॉक एजिंग फीफो बेसिस रिपोर्ट, जैसे हमने ऊपर किसकी निकाली थी, इसमें निकाली थी पार्टी की, कि किस पार्टी ने हमें 30 दिन पैसा दिया नहीं दिया, वैसे भी अगर किसी आइटम का निकालना तो कहाँ जाके निकालोगे, स्टॉक एजिंग फीफो बेस, यहाँ जाओ आइटम ऑल आइटम, तो आप जैसे ही करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी आइटम कितने दिन में आई है और कितने दिन में कौन कौन आइटम नहीं आए। क्लियर, इसे बोलते हैं स्टॉक एजिंग रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसे हम, अगर आप इसकी रिपोर्ट निकालना चाहते हो तो कहाँ से निकल जाएगी आपको, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर एक टॉपिक होता है, ये तो एजिंग हो गया स्लैब, और यहाँ किस पर कर देना आइटम वाइज। इसके बाद नीचे आता है वेंडर स्टॉक डिटेल, इसे कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, आज नहीं कर रहे। तो ये आज आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना मिसलेनियस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, मिसलेनियस।